आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेडॉक्स क्रिया है। तो हमें देखना है कि हमारे पास जो ये चार विकल्प दिए हुए हैं, इसमें आपका कौन सी रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं कि जिसमें आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है और अपचयन अभिक्रिया भी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला जो विकल्प हमारे पास दिया हुआ है, उसमें आपका क्या है, NaCl जो है वो आपका अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, KNO3 के साथ। तो ये क्या बना रहा है आपका, यहाँ पर ये बना रहा है NaNO3 बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है आपका, KCl बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो सोडियम होता है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, इधर -1 है, इधर आपका क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी और इधर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। फिर से इधर देखा जाए उत्पाद की तरफ, सोडियम की क्या है, +1 है, यहाँ पे NO3 की -1 है, पोटेशियम की आपका +1 है और आपका Cl की कितनी है, -1 है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया में देखिए, आपका किसी की भी ऑक्सीकरण अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो रही। दूसरा विकल्प जो हमारे पास दिया हुआ है, उसमें आपका क्या है, CaC2O4, ये जब आपका अभिक्रिया करता है किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो ये क्या बना रहा है आपका, CaCl2 बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है आपका, H2C2O4 बना रहा है। अब इस अभिक्रिया में देखा जाए तो कैल्शियम जो है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, ऑक्सीलेट C2O4 को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीलेट कहते हैं, इसकी कितनी होती है, -2 होती है। हाइड्रोजन जो है उसकी +1 होती है, Cl की कितनी होती है, -1 होती है। इसी प्रकार से देखा जाए उत्पाद की तरफ भी क्या है आपका, कैल्शियम जो है उसकी +2 होती है, Cl की -1 होती है, हाइड्रोजन की +1 रहेगी और आपका फिर से ऑक्सीलेट की क्या होती है, -2 रहती है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है आपका, कोई भी ऑक्सीकरण अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो रही है। अगला जो विकल्प हमारे पास दे रखा है वो आपका कौन सा है, जिंक का। तो जिंक जब आपका किसके साथ अभिक्रिया करता है, ये आपका AgCN के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, ये आपका AgCN के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जब ये आपका AgCN के साथ अभिक्रिया करेगा तो उस कंडीशन में ये आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे आपका ये आपका बनाएगा 2 Ag बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा आपका, ZnCn2 बनाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका जो जिंक है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है। आपका जो सिल्वर है Ag, यहाँ पे इसकी कितनी होती है, +1 होती है और Cn की कितनी होती है, -1 होती है। इस प्रकार से जब उत्पाद बनता है तो उत्पाद में जो Ag है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 0 होती है और यहाँ पे आपका जो जिंक है उसकी कितनी होती है, +2 होती है और Cn की कितनी होती है, -1 होती है। अब यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जो जिंक है वो पहले 0 की ऑक्सीकरण अवस्था में था, लेकिन जब ये बाद में उत्पाद की तरफ गया तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +2 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीकरण अवस्था जब बढ़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो सिल्वर है उसकी कितनी है, +1 है, लेकिन +1 से ये आपका कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसकी ऑक्सीकरण अंक में क्या हुई है, कमी हुई है। जब ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अपचयन कह रहे हैं, और वृद्धि को क्या कह रहे हैं, ऑक्सीकरण कह रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही अभिक्रियाएं हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका अभिक्रिया है ये किसका उदाहरण हो गया, ये आपका एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अंतिम जो आपके पास उदाहरण है उसमें आपका क्या दे रखा है, जो अभिक्रिया है वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अंतिम अभिक्रिया में आपको क्या दे रखा है, देखिए ध्यान से। तो हमारे पास जो अंतिम अभिक्रिया है आपका, उसमें क्या हो रहा है आपका, मैग्नीशियम है MgOH2, ये आपका अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ, आपका NH4Cl के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जब NH4Cl के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका MgCl2 बना रहा है और आपका क्या बना रहा है, 2NH4OH बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो मैग्नीशियम की कितनी होती है ऑक्सीकरण अवस्था, +2 होती है, OH की -1 होती है, NH4 की +1 होती है और Cl की -1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है और आपका Cl की कितनी होती है, -1। इधर भी आपका देखा जाए तो अमोनियम जो NH4 है उसकी +1 होती है और OH की क्या होती है, -1 होती है। तो आपका ये जो चौथी अभिक्रिया है इसमें आपका भी क्या, कोई भी आपका ऑक्सीकरण अंक में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है।
तो हमारे पास जो सही विकल्प क्या रहेगा आपका, जो पहला जो विकल्प आपको दिया हुआ है आपका जो जिंक वाला, Zn प्लस AgCn प्लस Ag प्लस ZnCn2। तो यहाँ पे जो आपका ये तीसरा विकल्प आपका यहाँ पे सामने रखा गया है, ये कैसा है आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इसमें आपका रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो रही है और आपका अपचयन अभिक्रिया भी हो रही है। तो तीसरा विकल्प आपका सही होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।